तो आपका फिर से किसी और वीडियो में स्वागत है इस वीडियो में बात करने वाले ही, ही में रिसोर्स और वन से हम शुरू करते हैं आकर जानते हैं की एच है वो होता क्या है तो एच एनालिटिक्स एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम एम्प्लॉय डेटा को एनालाइज करते हैं जैसे कि परफॉर्मेंस अटेंडेंस रिटेंशन और रिक्रूटमेंट डेटा इससे हम एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस कंपनी के गोल्स के बीच का जो कनेक्शन है वो हमें समझने को मिलता है तो ये उसमें हेल्प करता है पॉइंट नंबर टू की तरफ हम बढ़ते हैं तो बिजनेस डिसीजन में डेटा एनालिटिक्स का क्या योगदान रहता है तो डेटा डेटा एनालिटिक्स के थ्रू हम अपने बिजनेस को एग्जामिन करते हैं जैसे कि सेल्स हो गया कस्टमर का फीडबैक हो गया और मार्केट के ट्रेंड्स हो गए ये हमें सही डिसीजन लेने में मदद करता है जिससे कि हमारे बिजनेस को वो ग्रोथ मिलती है तो ग्रोथ जो है वो आपके इंडिविजुअली बिजनेस जब तक जिंदगी है तो उसमें ग्रोथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है इसलिए हमें उस पर काम करते रहना चाहिए तो इसी के साथ इस वीडियो में ग्रोथ करते हुए हम पॉइंट नंबर की तरफ बढ़ते हैं एनालिटिक्स और बिजनेस डिसीजन मेकिंग में ये क्या हेल्प करता है तो एच आर एनालिटिक्स से हम एम्प्लॉय परफॉर्मेंस और इंगेजमेंट का इंसाइट है वो पा सकते हैं क्योंकि कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस को सुधारने में बहुत ज्यादा मददगार होता है मैं आपको बता दू कि जैपेज की एक सेंग है यहाँ पर जो सफी कॉल करा देते हैं वहाँ वहाँ पे बोला जाता है कि जो इम्प्रूवमेंट है वो सेपरेट होता है कॉमा से ना कि फुल स्टॉप तो चाहे आप इंडिविजुअल हो कोई भी बिजनेस हो तो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट है वो सदैव एक जरूरी पॉइंट रहता है तो आप देखते होंगे कि फीडबैक और आपका जो भी एक्सपीरियंस है उसे शेयर करने के लिए हर कोई जैसे कि मैं भी यहीं पर बोलते हैं अगर आपका कोई भी फीडबैक है तो कमेंट कर सकते हैं तो इसी तरीके से हमें बदलाव के लिए वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं तो सेम कंटेक्स में बढ़ते हैं पॉइंट नंबर फोर की तरफ एच एनालिटिक्स और डेटा एनालिटिक्स में कौन से टूल्स और टेक्निक्स हैं वो यूज़ होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एसेंशियल पॉइंट्स हैं और आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है वो जानने को मिलेंगी तो एच एनालिटिक्स और डेटा एनालिटिक्स में वैसे तो वेरियस सॉफ्टवेयर हैं वो यूज होते हैं लेकिन हम यहाँ पर कुछ सेलेक्टेड को और जो कि थोड़े ट्रेंडिंग में उनको यहाँ पे जानते हैं तो हमारा वही फेमस जो कि हर एक रिज्यूमे में होना ही चाहिए वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सल तो जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो डेटा को एनालाइज करने में काफ़ी अच्छा टूल है जो यूज़ किया जाता है उसके बाद आपको जान के हैरानी होगी लेकिन पाइथन भी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसकी जो लाइब्रेरीज है वो भी हेल्प करती हैं डेटा एनालिसिस में जैसे कि पेंडेस और और भी सारी हैं बहुत ज़्यादा लाइब्रेरी के तो लिस्ट है यहाँ पर जस्ट एग्जाम्पल हमने लिया है उसके बाद गूगल एनालिटिक्स है वो भी आता है और एक सास प्रोग्रामिंग है वो भी है आपका पावर बी वो भी इसमें इंक्लूड है पावर बी का आपने एंड भी देखा होगा कि आप सीखिए पावर बी आई और उससे आप इतने ज़्यादा कमा सकते हो तो ये वैसे टूल ही जो भी यहाँ पे मैं टूल्स और टेक्निक से मैंने इसलिए इंटरेस्टिंग बोला क्योंकि डिमांड में है डिमांड इस डिमांड की वजह क्या है कि जो डेटा है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है वो दिन ब दिन होते जा रहा है तो उसमें वहाँ पर उसकी सिक्योरिटी उसको एनालाइज करना तो बहुत ज्यादा इससे रिलेटेड जो जॉब्स हैं वो मार्केट में अभी ट्रेंड पे हैं और आगे भी होने वाली हैं क्योंकि डेटा का तो जो यूज है और डेटा बहुत ज़्यादा पावरफुल है वो बनते जा रहा है बनते जा रहा है तो उसमें जो मार्केट है काफ़ी ज़्यादा ओपन है तो उससे रिलेटेड अगर हम स्किल को एहानस कर लेते हैं तो हमारा काफ़ी ज्यादा अच्छा पैकेज पे हम एज ए स्पेशलिस्ट है शुरुआत तो बिगनर से भी करेंगे लेकिन स्पेशलिस्ट की जॉब है वो काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहती है तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है सीखने के लिए एक और यहाँ पे टूल्स टेक्निक है जो यूज की जाती है वो आर लैंग्वेज तो आर लैंग्वेज क्या है वो एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है जो कि स्टैटिस्टिक और डेटा को एनालाइज करने में उसका इस्तेमाल है वो क्या जाता है अगले पॉइंट की तरफ जो कि लास्ट आएगा बट नॉट लीस्ट तो जानते हैं तो पॉइंट नंबर फाइव है हमारा कि किस तरीके से बेनिफिशियल है हमारे बिजनेस के लिए और डेटा एनालिटिक्स से हम अपने एम्प्लॉयज को बेटर वो मैनेज कर सकते हैं डेटा तो एनालिटिक्स की हेल्प से हम डिसीजन मेकिंग है वो काफी पावरफुल है बनाकर अच्छा डिसीजन है वो ले सकते हैं जिसकी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि वो सटीक है वो बैठेगा क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी पे ही जो डिसीजन है वो लेते हैं जहाँ पे हम जहाँ पे हमें प्रिडिक्शन है वो करते हैं मैं आपको बता दू कि जितने भी बिजनेस हैं वो प्रिडिक्शन करते हैं वो डेटा के बेसिस पे ही किया जाता है जैसे कि एग्जाम्पल में अगर लूँ जैसे कि जो सैमसंग कंपनी है तो सैमसंग कंपनी की जो हम एम्पलाइंस है तो क्या होता है कि सैमसंग कंपनी है वो प्रिडिक्शन करती है जो भी उनके सपोर्ट्स सेंटर्स होते हैं तो उनको एक डेटा भेजती है कि पिछले साल के डेटा के हिसाब से इतना जो है वो कॉल्स का बर्डन है वो रहा था तो उसके हिसाब से ही फिर वो कंपनी है जहाँ पे आउटसोर्सिंग के प्रोसेस होते हैं वो हायर करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा रियल एग्जाम्पल है जिससे कि हमें समझ में आता है कि डेटा का कितना ज़्यादा यूज़ है और वो किस तरह से वो एफेक्ट करता है तो इस तरीके से ये एचआर एनालिटिक्स और डेटा एनालिटिक्स है वो काफी ज्यादा रिलेटेड भी हैं क्योंकि जो एच आर है उन्हें कहा जाता है कि वे कंपनी के सी होते हैं जैसा कि हमारा दिमाग है कंप्यूटर में सी है वैसे ही एच को एक कंपनी में कहा जाता है तो इन दोनों से हमने जाना कि इससे बिजनेस का जो ओवरऑल है परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा बेटर हो जाता है तो इसकी समराइज में हम मैं इसे आपको समराइज कर देते हैं तो समरी में यही है कि एच आर एनालिटिक्स और डेटा एनालिटिक्स बिजनेस डिसीजन मेकिंग में एक बहुत ज्यादा अहम रोल है वो प्ले करते हैं इससे हमारे बिजनेस को ग्रोथ मिलती है सक्सेस मिलती है और मिलेगी ऐसी हमारी आशा होती है ऐसा हम अज्यूम करके चलते हैं आपको अगर और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट है और फील फ्री टू आस्ट और उस पर भी जरूर वीडियो बनेगा अगर कोई सिंगल कमेंट भी आता है तो चैनल की बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि उस पर भी मैं वीडियो वो जरूर लाएंगे इस वीडियो को देखने के लिए समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक सतर्क रहें सुरक्षित रहें ही